यानी उनको इरेक्ट करती है उनकी शेप में लेकर आती है नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट अब सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट बनेगा कैसे क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी मौजूद होता है लेकिन जब लाइट की एब्सेंस होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एटियोप्लास्ट आप लोगों ने एटियोलेशन का प्रोसेस पढ़ा है जिसमें लाइट की मौजूदगी नहीं होती जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उसके अंदर क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो पाता लेकिन जिस जैसे ही रेड लाइट मिलती है उसमें क्या हो जाता है ये एटियोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्लोरोप्लास्ट अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये आ जाता है क्लोरोप्लास्ट आर प्लांट्स ऑर्गेनल्स दैट आर वाइटल फॉर फोटोसेंथिसिस द ट्रांजिशन ऑफ एटी क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ डी प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस कौन सा है Etiolation का नहीं हो रहा, यहां पे का हो रहा, की में, हो रहा है यानी अब इसके बाद ग्रीनिंग कन्वर्टेड इंटू क्लोरोफिल अब ये प्रोटोक्लोरोफिल क्या है अ ग्रीन मैग्नीशियम कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन एट्यूलेटेड लीव्स एंड सीडलिंग्स विच डिवेलप इन टू दिवेल्प इन द डार्क एंड दैट इज कन्वर्टेड टू क्लोरोफिल by रिडक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट अब ये पहले क्या है प्रोटोक्लोरोफिल प्रेजेंट होगा एट्यूलेटेड लीव्स में ऐसे लीव्स जो कि लाइट की एब्सेंस में ग्रो कर रहे हैं और जैसे ही लाइट की प्रेजेंस होगी रेड लाइट अवेलेबल होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन क्लोरोफिल और नॉर्मल फोटोसेंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होगा इसके अलावा इनहबिशन ऑफ इंटरनोट ग्रोथ इंटरनोट ग्रोथ की इन्हीबिशन में ये काम करता है और वो किस तरह करता है यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जिनकी इनहीबिशन ये कर रहा होता है एपिकोटाइल शूट ग्रोथ ये जो प्राइमरी शूट ग्रोथ होता है उसको हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं हाइपोकोटाइल जो रूट की ग्रोथ होनी होती है सीड से सीड की जर्मिनेशन के टाइम पे उसको हम लोग हाइपोकोटाइल बोलते हैं मीजोकोटाइल फर्स्ट ट्रू स्टेम ऑफ द प्लांट्स आगे मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ तो अब यहाँ पर ये काम क्यों हो रहा है कि अगर तो लाइट की प्रेजेंस कम है तो ये प्रिवेंट करती है एट्यूलेशन को एट्यूलेशन क्या है ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द एबेंस ऑफ लाइट इसके अलावा एक और प्रोसेस ये करता है दैट इज अनहुकिंग ऑफ प्लेम्यूल इन डायकोटलेटेंस अब यह प्लोम्यूल क्या है ये शूट का पार्ट है जो कि उसको रोल होने से बचाता है फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये प्लेम्यूल है इसको ये टर्न होने से बचाता है यानी कि अनहुक करता है उसको सीधा करता है उसकी पोजिशन में लेकर आता है अब ये देखेंगे हाइपोकोटाइल इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है ये एपिकोटाइल शो किया हुआ है तो ये सारी चीजें क्या है बेटा ये इसमें रेड लाइट इसको इसके लिए वर्क करियो तो ये सीड का देखिए जरा सीड में ये एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल ये दोनों चीजें यहाँ पे शो की गई हैं अब इसके अलावा इसका क्या काम है ये इनहेबिट करता है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स और स्टिम्यूलेट करता है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। अब ये रेड लाइट के फंक्शन हैं ये रेड लाइट प्रमोट क्या कर रही है इनहिबिट क्या कर रही है वो इनहिबिट कर रही है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, और प्रमोट क्या कर रही है प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स।